टोपी क्यों नहीं सेट हो रही ठीक से? देखो ये पीछे से, देखो क्या हो रहा है, ऊपर कर दिया क्या तूने आज जुड़ा? ओके ठीक तो नहीं है, लेकिन तो बता देते मैं। या कौन कौन सा है? मैजिक महुआ। हेलो सर, तो हम बात करेंगे आज फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो क्या है फिल्म के बारे में? फिल्म का नाम है दम होई जेकरा में उहे गाड़ी खूटा। नाम से ही समझ में आ जाता है कि एक्शन फिल्म है। एक्शन के साथ साथ इमोशन है इसमें और कॉमेडी भी होगी। मीन्स टोटली कमर्शियल फिल्म कहेंगे। लोग फिल्म में हॉल में जाके इंजॉय करके बाहर निकलेंगे। एक डिफरेंट लुक आपको देखने को मिल रहा है, ये लुक का राज़ मैं इसमें इंस्पेक्टर के किरदार में हूँ, जो बहुत ही डेंजरस होती है, जो विलन्स को बुराइयों का खात्मा करने के लिए, मतलब इसकी एक शपथ होती है कि जो जो लोग खराब काम करते हैं उनकी बैंड बजानी, किसी से डरती नहीं है। और किस तरह से इसको लोग मारने की कोशिश करते हैं, किस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसी के ऊपर सब्जेक्ट है। और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को करके। शेड्स हैं, एक इंस्पेक्टर का एक अलग ही एटीट्यूड है। इंस्पेक्टर के साथ साथ एक माँ के साथ ये काफ़ी नॉर्मल गर्ल की तरह, एक जो माँ के साथ जो अटैचमेंट होती है एक आम इंसान की तरह, वो एक इमोशन है। उसके एक बहन है उसके साथ है, और साथ ही साथ जो इसके परिचित लोग हैं जिन्हें ये जानती है, जिन्हें प्यार करती है, जिनके लिए लड़ाई कर रही है, उन सबके लिए एक अलग शेड है। और जब इस यूनिफॉर्म में होती है तो अपने फ़र्ज के लिए किस तरह वो लड़ती है, और मतलब एक पूरी तरह से ईमानदार इंस्पेक्टर के किरदार में हो, तो तीन चार शेड्स हैं मेरे कैरेक्टर में इस फिल्म में। जैसे भोजपुरी फिल्म में एक हीरोइन का किरदार होता है कि नाच गाना और घूमते वगैरह, तो इसमें भी क्या इस तरह से भी आप या फिर मारधार करते हुए दर्शक देखते हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा, पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है। हाँ, इसमें मेरे गाने ज़्यादा नहीं होंगे, तीन चार गाने हैं, लेकिन डांसिंग भी है, इमोशन भी है, मंदिर के गाने हैं, मंदिर का सॉन्ग है, बहन के साथ छेड़छाड़ का सॉन्ग है, डांसिंग नंबर सॉन्ग है, तो टोटली कमर्शियल है पूरी तरह से। मेरा कैरेक्टर ही कमर्शियल है। बहुत अच्छा है इस फिल्म का म्यूज़िक, जिस तरह की म्यूज़िक आजकल चल रही है भोजपुरी में, और हर तरह की क्वालिटी वाला म्यूज़िक है। जैसे मंदिर का सॉन्ग है, बहन के साथ एक गाना है, आइटम नंबर्स हैं जो होते हैं, लेकिन बट जैसे लोग कहते हैं अक्सर कि आइटम नंबर्स में ज़्यादा वल्गरिटी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सोबर तरह का एक स्वीट सॉन्ग है इसमें, सारे गाने बहुत अच्छे हैं जो पब्लिक को पसंद आएंगे। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं संगीत कुमार जी, उनके साथ तो मैंने पहले भी फिल्म की है, ये उनके साथ सेकंड फिल्म है। बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत फास्ट हैं, और वो जिस तरह से फिल्म बना रहे हैं उनको नॉलेज है भोजपुरी फिल्म का, कि कैसे भोजपुरी फिल्म लोग पसंद करेंगे, ऑडियंस की पकड़ है उनको, तो उस हिसाब से इज़ वेरी नाइस। और प्रोड्यूसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, पूरी तरह से छूट दी है उन्होंने हम लोगों को, डायरेक्टर को, कि जैसी जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं उस तरह की फिल्म बनाएं। इट्स वेरी नाइस। संगीत जी, सर पहले भी आपने फिल्म किया था काहे के लगाट, और अभी दूसरी बार कर रहे हैं, कैसा ट्यूनिंग रहा है? ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है संगीत के साथ, क्योंकि चूँकि संगीत पहले, मैं तब से जानती हूँ संगीत को, जब वो क्लैप मारता था, तो अभी वो डायरेक्टर हो गया है, तो एक फ्रेंडली जैसा हम लोगों का ट्विनिंग है, ऐसा लगता नहीं है कि वो इज डायरेक्टर, आई एम एक्ट्रेस। फ्रेंड की तरह डिस्कस करते हैं, कभी कभी थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती है फ्रेंड की तरह, तो बहुत इन्जॉय करते हुए काम करते हैं। अपने दर्शकों से मैं यही कहूँगी, मेरी हर फिल्म आप लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं, उसे सुपरहिट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इसी तरह इस फिल्म को भी देखें। और इस फिल्म में आपको टोटली कमर्शियल फिल्म होगी, आप लोग इन्जॉय करेंगे इस फिल्म को देख के, अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं आप, तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें, दम होई जेकरा में उहे गाड़ी खूटा। थैंक यू।